फारूक, चाची ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। सिर्फ बेरोजगार होने के कारण मुझे इनकार कर दिया। देखो अल्ताफ, मैंने अम्मी को समझाने की कई बार कोशिश की। पहले लगता था वो मान जाएगी, लेकिन फिर ना समझ बन गई। उस बॉस के साथ फरीदा की शादी ना हो, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूं, पर अगर उस आवारागर्दी करने वाले अब्बास के साथ फरीदा की निकाह होगी ना, तो आप कलाम मियां के बेटे अब्बास के साथ फरीदा की निकाह पक्की करनी चाह रही है? मैं मेरी बेटी की निकाह जिस से भी करूं, उसमें तुम्हारा क्या क्या दिक्कत है? और एक बात, तुम्हें ये किसने कहा? हाँ, किसने कहा ये बात की बात है। अगर फरीदा की शादी उस अब्बास के साथ हो गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम चुप रहो फारूक। अल्ताफ, कलम मियां का बेटा अब्बास का कितना जमीन है तुम्हें पता है? उन लोगों का व्यापार शहर तक फैला हुआ है। अब्बास फरीदा को एक खुशहाल जिंदगी दे पाएगा, क्या तुम दे पाओगे? क्या है तुम्हारा? बेरोजगार हो, जो एक जमीन पड़ा हुआ है वो भी कोई काम का नहीं, बेकार है। ऐसे में फरीदा निकाह करके परिवार बसाने के बाद तुम सोच कैसे सकते हो, बोलो? पर मैं भी तो कुछ काम के बारे में सोच रहा हूँ ना चाची, पर बस एक बार मुझे कुछ कर दिखाने का मौका तो दीजिए। देखो अल्ताफ, ख्वाब को हमेशा के लिए भूल जाओ। अम्मी, तुम चुप रहो। अल्ताफ, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में आया ना? अल्ताफ। जी चाची। पर चाची, पर क्या? हाँ, उल्फत के जमाने में सारे रस्मों को आप ठुकरा दीजिए और फरीदा को मेरे साथ निकाह कर दीजिए। तुम क्या कर रहे हो पता है? आज की जमाने की यही हकीकत है और फरीदा मेरी अमानत है। अम्मी, आप भी ना। अल्ताफ, अल्ताफ सुनो तो। तुम लोगों ने फॉर्म भर दी, बहुत अच्छे। अगले हफ्ते से ही तुम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और बताओ, तैयार हो ना तुम लोग? जी चाचा, बिल्कुल तैयार है। एक बात बताओ, पोल्ट्री फार्म के ट्रेनिंग के बाद काम शुरू करने के लिए नई जमीन चाहिए कि? हाँ चाचा, ओ सोराहे पे महन भैया है ना, फर्नीचर की दुकान जो है, उसका थोड़ा जमीन है। हम लोगों ने उससे बात की थी, समझा भी दिया है, वो लीज में देने के लिए राजी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मोहन को जानता हूँ, वो बहुत मददगार इंसान है, अल्लाह उसका भला करे। देखो, अगर तुम कोई चीज अपने दिल से चाहो तो एक ना एक दिन मिल ही जाता है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं चाचा, मतलब हम दोनों अभी जा ही रहे थे, उनसे जमीन की कागजात लेने। बहुत खूब, क्योंकि अगर सही समय में सभी कागजात तुम लोग पेश करते हो, जल्दी हो जाएगा, यानी सरकारी मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, समझे ना? जी चाचा। मैं तुम लोगों के लिए जल्दी ही प्रबंध करने की कोशिश करता हूँ, बस तुम लोग मन लगा के ट्रेनिंग में लग जाओ। तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छा हो, भला हो, यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं। अपने यकीन पर, अपने कर्मों पर बुलंद रहो। देखना, आने वाला समय तुम लोगों को कई किरणों के साथ नई दिशा दिखाएगी। अम्मी लीजिए। हाँ, फरीदा जरा मेरे पास बैठो तो। जी अम्मी। बोलिए। फारूक का कुछ खबर आया है क्या? कैसा चल रहा है उसका ट्रेनिंग? अम्मी
आज सुबह ही मैं हमीचा के घर गई थी। हाँ। और वहाँ पे पता चला कि भाईजान का ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है और वो भी बिल्कुल ठीक है। और आपको एक बात पता है, वहाँ पे उन लोगों का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा है, इसलिए जल्द ही फार्म के लिए पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बस अल्लाह की दुआ है फरीदा बेटी, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलते, इसीलिए मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी मेरी जैसी हो। तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, इसीलिए मैं अब्बास के साथ तेरे निकाह के बात सोच रही हूँ। अम्मी मुझे ये निकाह नहीं करना है, और वैसे भी भाईजान ने मेरी फॉर्म भर दिया है। फॉर्म? किसका फॉर्म? मुझे तो पता ही नहीं। अम्मी सरकार की कौशल विकास योजना के तहत सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग के लिए भाईजान ने मेरी फॉर्म भर दिया है, और अब बस ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार है। अम्मी जिंदगी अच्छे से कटने के लिए निकाह करना जरूरी नहीं है। और आपको पता है क्या, उस अब्बास का चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैसा वाला हुआ तो क्या हुआ, अम्मी मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे गांव की बाकी लड़कियों को एक अच्छा सा गुजारा मिले। जो करना है करो, लेकिन उस अल्ताफ के साथ निकाह के बाद सोचना भी नहीं। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और बताओ फारूक कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जी चाचा सब ठीक ठाक। बस मैं तो 2-3 दिन में तुम लोगों के फार्म देखने जाने वाला ही था। आज ही चलिए ना चाचा। नहीं नहीं आज नहीं,
आज मुझे बहुत काम है और मैं जल्दी ही तुम लोगों का फार्म देखने जाऊंगा। ऐसे भी मुझे तुम लोगों के फार्म बीच बीच में देखना जरूरी है क्योंकि मैं देख सकूं तुम लोग काम कैसे कर रहे हो। बाकी सब खैरियत से है ना? जी सब खैरियत में है। अभी अल्ताफ फार्म में ही है। एक ना एक को तो रहना ही पड़ता है। हाँ वो तो है। देखो तुम लोग अगर पूरी काबिलियत के साथ अपने कौशल को काम में लगाओगे तो देखना एक ना एक दिन तुम लोग जरूर आगे बढ़ोगे। सासा जी इससे तो सब ठीक है लेकिन कल से दो सार मुर्गियां धीरे धीरे चलने लगे हैं। फिलहाल दवा दे दिया है, देखते हैं कल तक क्या होता है। हाँ कभी कभी मौसम के कारण या आसपास के परिवेश साफ सुथरा ना होने के कारण मुर्गी के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुनो अगर इस बार फिर से मुर्गियाँ बीमार पड़ जाते हैं तो मुझे खबर करना मत भूलना। जरूर सासा जी। अच्छा हो सके तो आज शाम को मैं तुम लोगों के फार्म देखने एक बार जाऊंगा। जरूर आइएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कमजोर दिल वाली हो, बस इसी बात से डर गई। अल्ताफ, दिल जैसा भी हो, ऐसे पीछे से आके करने से कोई भी डर जाएगा। सॉरी बाबा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखो, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, इस वक्त क्यों आए हो? जरूर भाईजान ने भेजा होगा ना? हाँ हाँ, फारूक ने ही भेजा है। उसने एक फाइल लेने भेजा और उस फाइल में हम दोनों की जरूरी कागजात हैं। बताया तुम्हें वो कहाँ पे है? हाँ भाईजान के बिस्तर पे एक फाइल तो देखा है मैंने, शायद वही होगा। लेकिन तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। नहीं फरीदा, अभी नहीं, एक जरूरी काम से मुझे और फारूक को एक जगह पे जाना है। अरे सिर्फ दो मिनट की ही तो बात है, बैठो ना। लेकिन प्लीज बैठो। तुम लोगों का व्यापार अच्छा चल रहा है ना, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। पहले तो बस तुम्हें एक बहाना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए। आज तो आया ना बहाना लेकर। अच्छा तुम्हारी अम्मी को मिला था रास्ते में, कहीं पे गई है? ओ अच्छा वो बात है। हाँ हाँ वो अम्मी जारा खाला के पास गई है। अच्छा अल्ताफ पता है आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। क्यों? तुम्हारे और भाईजान के व्यापार इतना अच्छा जो चल रहा है ना, और पता है गांव वाले भी तुम लोगों के बारे में इतनी तारीफें कर रहे हैं। बस तुम्हारी अम्मी मान जाए। असल में अब्बा जान के गुजर जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। अम्मी जान की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, कहती कुछ और थी और करती कुछ और थी। हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी मुर्गी फार्म की वजह से कुछ पैसा आ रहा है और अम्मी जान को भी मैं पहले से बहुत खुश देख रही हूँ। अच्छा ओ हमीद चाचा ने कहा कि तुम लोगों की ट्रेनिंग का डेट पक्का नहीं हुआ? हाँ और तबसुम भी उसी के ही इंतजार में है। हम दोनों को सिलाई का काम आती है, इसलिए सर गांव में एक सिलाई का स्कूल भी खोल सकती हूँ। सभी लड़कियों को घर वाले बाहर जाने की इजाजत तो नहीं देंगे ना, इसलिए अगर गांव में एक सिलाई का स्कूल हो तो यहीं पर सीख पाएंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा भाईजान दिया है जिसने मुझे हर कदम पर साथ दिया है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस चैन के साथ कुछ दिन इंतजार करो, देखना एक दिन तुम्हारी अम्मी खुद हम दोनों की निकाह कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं तुम्हारी अम्मी को यकीन दिलाऊंगा कि मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूंगा और उसके साथ मैं
अपने हालात को भी सुधारूंगा, तुम बस मुझ पे ही रखो। मुझे ढूंढता है अल्ताफ। अरे मैं तो भूल ही गया था, क्या फारूक ने मुझे यहाँ फाइल लेने भेजा था, और तुम हो कि मुझे कहाँ पे फंसा रही हो अल्ताफ। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, जाओ फाइल लेके। हाँ तुम बैठो, मैं लाती हूँ। बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मैंने तो आप लोगों का मुर्गी फार्म देख लिया है, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का मेहनत बहुत सक्सेसफुल हुआ। जी सर, सर ये सब तो हमें चाचा का कमाल है। अरे भाई भारत सरकार की शुक्रिया अदा करो, क्योंकि भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार नौजवानों के लिए सारी सुविधा प्रदान की है। हम तो एक जरिया है भैया। आपने हमारे लिए जो भी किया है इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं, और आज भी आपने मैनेजर सर को हमारे यहाँ बुलाकर हमारी बहुत मदद की है। ये सब तो ठीक है, तुम लोग पूरा कागजात लेकर आए हो ना सर को दिखाने के लिए? कागजात तो पहले ही सर को जमा दे दिया है। हमीद साहब यही तो चेक कर रहा हूँ, आप लोगों के फार्म की पूरी रिकॉर्ड यही पे है ना? जी सर, फार्म का पूरा कागजात इसी फाइल में ही है। इतना घबराइए मत, आप लोगों को लोन देने के लिए हमारा बैंक पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, कल सुबह आप लोग बैंक आ जाइए और साथ में ये डॉक्यूमेंट भी लेके आइए, ठीक है? ये सब तो है इन लोगों के पास। पिछले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल लाए हो ना? हाँ जी चाचा। पर बिल चुकाया हुआ होना चाहिए। हमीद साहब इन दोनों में कुछ तो बात है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच के पूरे गांव के बारे में सोचा है, मतलब गांव में जो बेरोजगार लोगों के बारे में सोचा है उसके लिए तो तारीफ के लायक है। वो तो है, इन दोनों ने पहले ही मुझे बताया था अगर सब एक साथ चलेंगे तो पूरी गांव का विकास होगा। जी आप लोगों ने मुझे और फारूक को नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद की। आप लोगों की ये मदद हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। नमस्ते। हामिद साहब आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, आपने तो हमारी हालात ही बदल दी। ये फारूक और अल्ताफ के लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों ने तो मुर्गी फार्म खोल ही ली है, अब बैंक का लोन भी सैंक्शन हो गया है। जुबेदा बेगम देखना आप, इन लोगों का फार्म और बड़ा होगा। बस अब एक काम कीजिएगा, ये बात फरीदा को बता दीजिएगा। जी जी। अरे अरे हमीद चाचा आप? हाँ फरीदा। आप यहाँ हमारे घर में? फरीदा बेटी यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया। फरीदा अगले सोमवार से तुम्हारी सिलाई का ट्रेनिंग शुरू होगी ना शहर में, ये बात तुम अपने सहेली तबस्सुम को भी बता देना, और दोनों मिलकर ट्रेनिंग के लिए शहर जाने की तैयारी भी शुरू कर दो। अम्मी जान पता है हमीद साहब ये फारूक और फरीदा मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं। लेकिन अम्मी हूँ ना, सब कुछ पता चल ही जाता है। अब क्या हुआ, कुछ गलती की इसने? गलती तो की है ना हमीद साहब, इसको पूछिए तबस्सुम के साथ क्या चल रहा है। अच्छा वो बात तो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन तबस्सुम तो बड़ी अच्छी लड़की है। जी हाँ हमीद साहब, तबस्सुम तो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए तो मैं आज ही उसके
अम्मा और अब्बा को मिलने जा रही हूँ। आखिर ये घर उसी को संभालना है ना। अच्छा, बहुत खूब। क्यों फारूक मियाँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं चाचा। मुझे तुमसे कुछ बात करना है अल्ताफ। मैंने तुमसे अब्बास के साथ फरीदा के निकाह के जो बात किया था ना, तुम क्या कर रहे हो पता है? आज की जमाने की यही हकीकत है और फरीदा मेरी अमानत है। तुमने ठीक बोला था अल्ताफ, फरीदा सिर्फ तुम्हारे ही अमानत है। तुम्हारे बारे में मेरे दिल में जो गलत फहमी थी अब वो दूर हो गई है। मुझे यकीन है तुम दोनों खुश रह पाओगे। जुबेदा बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा परिवार आज पूर्ण हो गया। मैं यहाँ गांव में आया था ताकि हमारे गांव के नौजवान अपना काम, अपना हुनर, अपना कौशल को पहचाने, क्योंकि आज के इन नौजवानों के हाथों में ही हमारे देश की कल की भविष्य लिखा हुआ है। आज मुझे अल्ताफ, फारूक और फरीदा को देखकर कि अगर इन सब युवाओं को अच्छा वातावरण मिल जाए तो, सबका सहयोग मिल जाए तो, और अगर काम करने के लिए प्रेरणा मिल जाए तो सब युवा मिलकर पूरी समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं।